देखने में मिलती है फास्टैग से संबंधित। जब लोग सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो जो विक्रेता है गाड़ी को जो बेच रहे हैं वो उस गाड़ी के फास्टैग को उतार देते हैं और फिर हम ये समझते हैं कि वो टैग बंद हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, वो NPCI के रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो जो गाड़ी खरीदने वाले हैं, जो सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं, उनको ये सुनिश्चित करवा लेना चाहिए कि जो उस गाड़ी का पुराना फास्टैग है वो पुराने जो मालिक हैं उनके द्वारा बंद करवाया जाए, ताकि फिर वो अपने नाम से उस गाड़ी के फास्टैग को प्राप्त कर सकें। इसमें ये तुरतापूर्ति की कार्रवाई नहीं होती है, तो इसीलिए कुछ समय तक, जब तक गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, तो वो जो पुराना फास्टैग है वो उस गाड़ी के साथ ही रहने देना चाहिए। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है तो पुराने स्वामी के द्वारा वो ट्रांसफर्ड RC की कॉपी और अपने जो कैंसिल चेक्स वगैरह हैं और एक हैंड रिटन एप्लीकेशन, इन सब के साथ अपने बैंक को ईमेल भेजकर टैग को बंद करवा सकते हैं, या फिर आजकल जो बैंक ने आपके कस्टमर ID और पासवर्ड दिए हुए हैं फास्टैग पोर्टल से संबंधित, वहां पर जाकर भी ये प्रक्रिया की जा सकती है। तो यदि जो पुराना टैग है ऐसे ही उतार दिया जाता है तो फिर नए मालिक को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कृपया इस जानकारी को समझें और उस अनुसार कार्रवाई जरूर कर लें, ताकि टोल रोड की यात्राओं के दौरान सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने वाले जो नए मालिक हैं, सेकंड ओनर हैं जो, उनको कोई परेशानी ना हो।